हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं आज एक रीडिंग कर रही हूँ। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर। ठीक है, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पता करेंगे, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं राइट नाउ। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और रीडिंग के एंड में कुछ मैसेजेस भी पिक कर लेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ही मेजर खाना से हैं, डिस्ट्रप्शन एंड फर्टिलिटी। ओके, एक और कार्ड है क्राउन चक्रा। ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स नंबर 4। वर्ड ऑन द डेक्स है डेस्टिनी। तो गाइज, ये पर्सन इस टाइम बहुत मुश्किल समय से तो गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, इस पर्सन का क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है और ये जो कार्ड होता है ये होता है मैरिज कार्ड। ये दोनों, ये डेस्टिनी और यहाँ से फिल्म ये जो है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ये फोर ऑफ वैंड्स होता है। ठीक है, और ये होता है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन आपको अपना डेस्टिनी मान रहे हैं, अपना डेस्टाइन पार्टनर मान रहे हैं, आपको अपना गुड लक मान रहे हैं, आपके साथ मैरिज तक के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, इसके दिमाग में ऐसी बातें हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपना एम्प्रेस मानते हैं। ठीक है, मींस आप बहुत यूनिक हैं, बहुत स्पेशल है इस पर्सन के लिए, कुछ ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है इस पर्सन का आपके लिए और ये पर्सन सच में आपको अपने डेस्टाइन पार्टनर मान रहे हैं इस टाइम। चाहे कितनी भी हार्डशिप आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपको भूलेंगे नहीं और भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप भी इनको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं। कुछ ऐसी थिंकिंग है आपके पार्टनर की इस टाइम आपको लेकर। ठीक है, तो क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहे हैं ये पर्सन अपने। लेट्स सी मोर, और क्या पता चलेगा, लेट्स सी। ओके, ओके, थर्ड आई चक्रा। हार्मनी, बैलेंस, वाओ गाइज, ये तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, नो डाउट। एंड वाओ अगेन, आप देख सकते हैं 11 और 11 आ गया यहाँ पर। और जैसे कि ये फोर ऑफ वैंड्स कार्ड होता है, ये भी नॉर्मल डेक में 11 11 ही होता है यहाँ पर, ये मैरिज कार्ड है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ से एंजल नंबर आ गया 11 11। OMG, डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ। ठीक है, ट्रायंफ एंड सक्सेस का मतलब है ये एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड होता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपसे बात करना है इस पर्सन को। ये होता है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कुछ ना कुछ ऑफर करने वाला है आपको। ये है इसकी करंट फीलिंग्स, क्योंकि आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, आपको बहुत स्पेशल मानते हैं। ये होता है हार्मनी कार्ड, लवर्स कार्ड होता है ये नॉर्मल डेक में। ठीक है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। इस पर्सन की थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इट मीन्स अब इसको रियलिटी ओवर। देखो 6 6 अगेन, मास्टर नंबर। डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है और यहाँ पर इसका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, ताकि ये इसको अब इस कनेक्शन के बारे में रियलाइज होता है कि आप इनके कौन हैं, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप इनके सोलमेट हैं। ठीक है, नंबर 11 का मतलब है डेफिनेटली एंजल सपोर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। एंजल आपको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं आपको कीजिए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ बेटर है आगे। मैं एक भी नेगेटिव कार्ड यहाँ पर देख नहीं रही हूँ। ये पर्सन बस कुछ चीज़ों में बंधे हुए हैं, इसीलिए शायद ये एक्शन नहीं ले पा रहे, पर ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे।
ठीक है, क्योंकि गुड लक आप लोगों के साथ है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, आप डेस्टाइन पार्टनर हैं एक दूसरे के, तो मुझे लगता है कि जल्दी कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आप सुनेंगे इस पार्टनर की तरफ से, क्योंकि ये आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी ही ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर लें, आपसे बात करना शुरू कर दें, आपको कमिट कर दें। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में पूरा टाइम यही बातें हैं। एक बार चैलेंज देखते हैं कि चैलेंज क्या है। ओके, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, एंड थ्री ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, आपके सारे सोलमेट के कार्ड आ रहे हैं, सारे के सारे मैरिज और सोलमेट के कार्ड आ रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, तो यहां पर डबल एट नंबर है, डबल सिक्स है, ट्रिपल वन है, इलेवन इलेवन है, डेविल। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थर्ड पार्टी कार्मिक है, कार्मिक से ये रिलीज होकर अपने आप को छुड़वा कर, ठीक है, आपके पास आएंगे, तभी मैसेज करेंगे ये आपको, और जल्दी ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। आपके पार्टनर हो सकता है अभी किसी और के साथ डील कर रहे हैं, और अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी कोई और नहीं है, तो इसका खुद के कुछ एडिक्शंस हैं, इसका वो हो सकता है, करियर हो सकता है थर्ड पार्टी, अगर कोई और पर्सन नहीं है और आपको पता है तो। लेकिन गाइज, यहाँ पर कुछ केसेस में मैं डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रही हूँ, इस वजह से शायद ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं अभी, लेकिन ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ये आपके साथ जन्मों जन्मों का कनेक्शन फील करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ के साथ, ठीक है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी सोल कनेक्ट है। इस पर्सन को एडिक्शन है आपका, सेक्सुअल अट्रैक्शन है आपसे, और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। तो चैलेंज यही है कि अभी थर्ड पार्टी में कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं ये। यहां से देख लेते हैं क्या आएगा। टेम्पल पाथ, आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए एंजल से, ताकि थर्ड पार्टी से निकलकर आपके पास आ जाए जल्द से जल्द। कम्युनिटी नंबर सेवन, ओके, डोर टू स्पिरिट, डेफिनेटली यहाँ पर आपको एंजल को रिकॉल करने की जरूरत है, उनको याद करने की जरूरत है, ताकि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाए और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए। हैप्पी फैमिली, अगेन फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, टू टाइम्स फोर ऑफ वैंड्स, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर, फैमिली बनानी है इसे आपके साथ। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सो डोंट वरी। एंड थिंकिंग वुमेन, सोचना थोड़ा कम कर दीजिए आप, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने वर्क में बिजी हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं इनको, ठीक है, थोड़ा सा अपने वर्क में बिजी हैं ये, कुछ के लिए थर्ड पार्टी इनका वर्क है, और आप सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, तो आप सोचना बंद कर दीजिए, अपना बेस्ट कीजिए, जितना बेस्ट आप अपना कर सकते हैं आप अपना कीजिए, बाकी आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर, क्योंकि आपके पार्टनर की थिंकिंग तो अच्छी है, बस कुछ सिचुएशन है जिसमें फंसे हुए हैं, वहां से निकलते ही आपके पास आएंगे। लेट्स सी यहां से एडवाइस क्या आती है। होल्ड योर विजन, ओके, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, एंड स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना है, आपको जो विजन आ रहे हैं डेफिनेटली, और देखो इमोशंस आर रनिंग हाई है, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में खुशियां आएगी, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए और अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आ जाइए, ये चीज आपको करने की जरूरत है, आपको डेफिनेटली हार्ड वर्क करने की जरूरत है, जो चीज आज आप कर रहे हैं कल उसमें कुछ और नया ऐड करने की जरूरत है, कम्फर्ट जोन से बाहर आना है आपको अपने, ठीक है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं।
आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू. ये पर्सन कह रहे हैं इनके पास गिफ्ट है आपके लिए, कि गिफ्ट देंगे जब भी आएंगे ना. डिस्टेंस ओनली सेपरेट्स आवर बॉडीज बट नेवर आवर हार्ट्स. ओके, तो कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है ना, ये सिर्फ हमारी बॉडी को अलग कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, लेकिन दिल को नहीं. यस, माई स्टेटस इज फ्रॉम अ सॉन्ग एंड इट्स अ सबटाइटल मैसेज टू यू, टेक अ हिंट. जो भी सॉन्ग्स वगैरह आप लोड कर रहे हैं वो आपके लिए हिंट है, ठीक है, तो उसको देख लो, सुन लो. माई हार्ट हर्ट्स, इसका दिल टूटा हुआ है. आई एम गोइंग टू शो यू एवरी डे एंड इन एनी वे आई कैन दैट आई लव यू, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू. वाओ, ब्यूटिफुल, बहुत ही ब्यूटिफुल मैसेज है. आई एम नॉट स्टेबल राइट नाउ, लेट मी फिक्स दिस. तो ये अभी स्टेबल नहीं है, इनको फिक्स करने दो अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है. एंड यू आर द सनशाइन इन माई डे एंड मून लाइट ऑफ माई नाइट्स, आई लव यू. डेफिनेटली देखो, आई लव यू कह दिया इन्होंने आपको, ये आ रहा है. आई एम गोइंग टू रीच आउट सून, डेफिनेटली बहुत जल्दी ये सोल्यूशन निकाल लेंगे. देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, मैंने क्या कहा था, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है. तो आप वेट करिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, सच्चा प्यार करते हो, सोलमेट कनेक्शन फील करते हो लोग. ऑल आई वॉन्ट इज टू सी यू अगेन, इसे आपको दोबारा देखना है. याद करते हैं, एक पर्सन आपको मिस करते हैं. तो गाइज, आप वेट कर सकते हैं अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, अदरवाइज तो उसकी फीलिंग्स अच्छी है, बस कुछ सिचुएशन में, कुछ कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वहां से निकलेंगे या आपके पास आएंगे. तब तक के लिए आप अपना पेशेंस रखिए, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है. पेशेंस रखिए जितना हो सके. ओके, तो गाइज, ये है आपकी रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर.